नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। अपने खालिस्तान प्रेम की वजह से इन दिनों कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत के निशाने पर हैं। कनाडा में भारत विरोधी खालिस्तानी गतिविधियों के जोर पकड़ने के बाद से ही भारत और कनाडा के बीच तनातनी बरकरार है। वहीं दूसरी तरफ कनाडा के रहने वाले पंजाबी सिंगर शुभ के नाम पर भी शोर मचा हुआ है। गन, गैंग, कार और जट लाइफ को प्रमोट करने वाले शुभ का मुंबई में कॉन्सर्ट होना था, जिस पर विवाद छिड़ा और उसके बाद अब उसे फिर रद्द कर दिया गया। शुभ को भयंकर आलोचनाओं का इसकी वजह से सामना करना पड़ रहा है। यहां तक के शो के स्पॉन्सर बोट इंडिया ने भी पहले ही अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। बीजेपी युवा मोर्चा के कई सदस्यों ने आरोप लगाया कि शुभ अलगाववादी खालिस्तानी तत्वों का समर्थन करते हैं, जिसकी वजह से अब फैंस से लेकर शो स्पॉन्सर तक शुभ से नाराज बताए जा रहे हैं। तो कौन है कनाडाई पंजाबी सिंगर शुभ सिंह, जिनके कॉन्सर्ट पर इतना हंगामा मचा हुआ है, यही आपको बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल शुभ का असली नाम शुभनीत सिंह है। उनका सिंगिंग करियर 2 साल पुराना है, जबकि महज 24 महीने में ही उनके सिंगल्स ने यूके एशियन और यूके पंजाबी चार्ट के साथ साथ बिलबोर्ड कैनेडियन हॉट 100 पर भी जगह बनाई है। साल 2021 में शुभ ने अपना पहला गाना वी रोलिन रिलीज किया था, जिसे यूट्यूब पर 206 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। हाल ही में शुभ ने अपने वर्ल्ड टूर की घोषणा की थी, जिसकी शुरुआत भारत से होने वाली थी। इसके बाद फिर वो ब्रिटेन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और अमेरिका भी जाएंगे। लेकिन इस टूर की शुरुआत होने से पहले ही ये आलोचनाओं का शिकार हो गया। इसका कारण था कि शुभ ने अपने इंस्टाग्राम पर भारत का एक विकृत नक्शा शेयर किया था। यह नक्शा खालिस्तान को उनका कथित समर्थन दिखाता है। इसके बाद से ही देश के कई समूहों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। बीजेपी यूथ विंग ने मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर पंजाबी सिंगर के पोस्टर पर कालिख पोती और उन्हें फाड़ दिया। शुभ के कॉन्सर्ट को भी रद्द करने की मांग की गई। इस बाबत मुंबई पुलिस को एक चिट्ठी भी लिखी गई, लिहाजा विरोध प्रदर्शन को देखते हुए कॉन्सर्ट को कैंसिल करना पड़ा। शुभ कॉर्डेलिया क्रूज पर 23 से 25 सितंबर को आयोजित होने वाले क्रूज कंट्रोल 4.0 कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले थे। इसके अलावा भारत में 3 महीने तक अलग अलग शोज करने का भी उनका कार्यक्रम था। इसके तहत वो नई दिल्ली, बेंगलुरु और हैदराबाद समेत कई अन्य शहरों में म्यूजिक कॉन्सर्ट करने वाले हैं। शुभ ने अपने सोशल मीडिया पर भारत का जो नक्शा शेयर किया था, उसमें पंजाब और जम्मू कश्मीर को छोड़कर देश का एक विकृत नक्शा दिखाया गया था। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये वायरल पोस्ट शुभ ने तब शेयर किया था जब पंजाब पुलिस भगोड़े अमृतपाल सिंह की तलाश कर रही थी। शुभ को एलिवेटेड, ओजी और चीक्स जैसे गानों के लिए जाना जाता है। वो दुनिया भर में पंजाबी गानों के दीवानों की पसंद भी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि खालिस्तान को लेकर विरोध होता हुआ देखकर विराट कोहली ने भी उन्हें इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स ने जो रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक विराट कोहली को भी बीते दिनों शुभ के एक गाने पर थिरकते हुए दिखाया गया था, लेकिन उन्होंने सिंगर को अनफॉलो कर दिया। इसके अलावा क्रिकेटर केएल राहुल और हार्दिक पांड्या ने भी शुभ को सोशल मीडिया पर अनफॉलो पहले ही कर दिया था। तो ये थी कनाडाई सिंगर शुभ और उनसे जुड़े खालिस्तान विवाद की जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।